बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नमान कयूम। तुसी देखते पए हो गंदारा हिंको टीवी। अज दी ताज़ा खबरां, गंदारा हिंको बोर्ड ते गंदारा हिंको एकेडमी दे ज़ेर है तमाम। तहरीके आज़ादी दे नामवर सपूत ते पिशोर शहर से ताल्लुक रखने वाले अल्लाह बख्श यूसरी नूं उन्हां दी खिदमात ते खिराज तहसीन पेश करने वास्ते एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। ये तकरीब कल बरोजे हफ्ता 30 मार्च नूं दोपहर 2 बजे गंदारा हिंको एकेडमी दे अहमद अली साई आडिटोरियम विच मुनक्किद होसी। तकरीब विच बच्चों वास्ते हिंको जुबान की पहली एंड्रायड गेम का भी इफ्तिताह किया जा सी। याद रवे कि जनवरी 2019 की 7वीं आलमी हिंको कॉन्फ्रेंस विच बच्चों वास्ते हिंको सीखने की जिस एंड्रायड ऐप का ऐलान किया गया है वो तैयार हो गई है। इस ऐप में 50 मुख्तलिफ लेवल्स हैं जिस विच एक हर्फ नूं पढ़ना लिखना ते इससे बनने वाले अल्फाज की पहचान कराई गई है। इस दे इलावा इस एंड्रायड ऐप में बच्चों वास्ते ड्राइंग टूल्स के नाल नाल कार्टून की शक्ल विच कहानियां भी मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने किया वे कि पुलवामा हमले की तहकीकत पाकिस्तान का ताल्लुक साबित नहीं होया। उन्होंने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान किया वे कि पुलवामा हमले से मुतालिक मौसूल डोजियर का जायजा लिता गया वे। भारत की तरफ से शेयर की गई मौजूदा मालूम ठोस नहीं गई। मुहैया कोल का सबूतों के मुताबिक पाकिस्तान का पुलवामा हमले नाल ताल्लुक साबित नहीं हो सका। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसेंडा आर्डर्न ने किया वे कि तशद्दुद नफरत अंगेजी ते नसल परस्ती वसे न्यूजीलैंड कोई जगह नहीं गई। बैन अलावा खबर रसा इदारे के मुताबिक न्यूजीलैंड सान क्राइस्ट चर्च के शोधा की याद तकरीब मुनक्कद की गई जिथे मुतासरीन नाल इजहारे यकजहती वसे शहरियों की वही तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सान क्राइस्ट चर्च शहीद 50 अफराद को खिराज अकीदत पेश किया गया। बंगलादेश कसीरुल मंजला इमारत में अग लगने नाल 19 अफराद हलाक जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। बंगलादेशी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत ढाका के इलाके बनानी एफ आर टावर नामी कसीरुल मंजला इमारत की 8वीं मंजिल अग लग गई जिसने दीगर मंजिलों को भी लपेट ही ले लिता है। 7 अफराद जान बचाने वास्ते बिल्डिंग से कूद गए। अग इतनी शदीद है कि इसे काबू पाने वास्ते ना सिर्फ शहर की फायर ब्रिगेड बल्कि बंगलादेश की बहरिया के फिजाइया की भी मदद लेनी पड़ी। बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने किया वे कि पाकिस्तानी टीम ने गलतियां से सबक सीखना होसी। उन्होंने किया कि ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग वैसे आमुन तो इब्तदाज खतरनाक अंदाज खेलते हुए मौका देंदे हुए उन्होंने कैच ड्राप कर दिया जाए तो रन रोकना मुश्किल हो जाता है। इन्होंने खिलाफ बॉलिंग वैसे तजुर्बा चाहिए। जुनेद खान ने उमदा बॉलिंग की थी बड़े मोहम्मद हसनैन मुश्किल का शिकार नजर आए। गुलकार ते मौसीकार राहत फतेह अली खान ने किया वे कि पाकिस्तानी फनकारा नूं भारत इत पजीराई मिल दी है बड़े साढ़े वसे पाकिस्तान पहले वे। कराची प्रेस क्लब इत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहत फतेह अली खान ने किया वे कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा वे जेरा के खास एजाज है। उन्होंने किया कि पाकिस्तान इस हुकूमत की तरफ से मनो जेरी इज्जत ते पजीराई मिली है इससे मुतमईन। इस दे नाल ही खबरें खत्म हुई। नवी खबरों नाल वात हाजिर होसियां। अल्लाह हाफिज़।